अस्सलाम वालेकुम जी। जी तमाम दोस्तों का की हाल चाल है जी। जी अज मैं वर्कशॉप च आया सीगा जी, तो मैं क्या उत्थे दोस्तों कुछ थोड़ी जी मालूम दे रही है जी। MF 385 ट्रैक्टर वा जी और बलंसर वा जी, जिहड़ा अक्सर लोग पुछदे आ कि बलंसर की चीज़ हुंदी है और बलंसर के बारे भी दसो। इहदा ए वाला बलंसर है जी और बलंसर के अंदर यह आयल चक रहा वा, यह जिहड़ा है ना यह जाली लगी हुई है ना, जी यह जारी लगी है ये अंदरली साइड तेरा पंप लगा हुआ वा जिहड़ा आयल नूं चक रहा। और बहुत सारे दोस्त कहिंदे कि असीं बहुत ही देर नाल आयल चेंज करते हैं या कोई ऐसा मसला दसदे आ कि आयल जिहड़ा हैगा वो बहुत गंदा हो जाता वा, या किसी अगर किसी भी वजह तो यह जाली अगर बंद हो जाए, यह वाली जाली जिहड़ी अगर बंद हो जाए आयल पंप जिहड़ा काम करना छड्ड जाए, समझ लो ट्रैक्टर तुहाडा जिहड़ा वो सीज़ हो सकता वा। तो लिहाजा ये पास भी अगर आयल अगर तुसी अच्छा इस्तेमाल करो और उन्होंने 100 घंटे बाद चेंज करो तो थोड़े आयल पंप की और ट्रैक्टर की जी हैगी जी लाइफ वो ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह के यह देखो ये होंगे गैलरियाँ जिहड़ियां आयल दे रही है उपर, यानी कि चैंबर के अंदर जिहड़ा ने इन्होंने आयल देना होंगे, अगर इन्हों के कचरा आ जाए या कोई मसला बन जाए तो ट्रैक्टर सीज़ हो सकता वा। लिहाजा जिस तरह मैं पहले दस चुका वा कि यह MF 385 नहीं MF 375 का है और परकन इंजन के है ये बलंसर जो है, और यदा अगर मैं वेट दिखाना चाहवा बलंसर जोड़े लगे है वो यह चीज़ होती है जी, अगर नज़र अंदर आ रहे हैं तो यह वाले जोड़े ना ये अंदरली साइड उत्ते इन वेट लगाए गए हैं जी। ये बलंसर का काम जो होंगे आयल देना होंगे वा जी, जिस तरह मैं दसिया वा परकन का है ये 99 मॉडल का है, यह परकन इंजन का वा जी ये, और जो भी तुम इंजन यदा करवाओ तो आयल पंप जोड़ा है यदा आह वाला यदि किट वगैरह चेंज हो जाती है, लिहाजा इन अच्छी तरह चैक करवाओ और यदि किट जो भी तुम इंजन करवाओ यदि किट जी लाजमी चैक करवाओ, किट नवी पवा दो क्योंकि आयल पंप जोड़ा है वो बेहतरीन काम करे, अगर आयल पंप नहीं काम कर रहा है तो ट्रैक्टर जोड़ा है थोड़ा सीज़ हो सकता वा। इस तरह मैं गैलरिया के अंदर ब्लाक दैलरियाँ तुम दिखाता जी। जी जिस तरह देखो कि यह गैलरिया जी यदि अंदर, क्योंकि ये ब्लाक के गैलरिया है ना जी, इन्होंने ही आयल देना होंगे वो उपर, यह नीचे क्रैंकशाफ्ट हो गई इन्हें ही देना आयल, ये गैलरिया थानी थोड़े आयल वाली साइड के उत्ते आता वा। और यह देखो परकन का है 99 मॉडल और जोड़े स्लीप लगे है वह मोटे स्लीप लगे हुए है, अगर इन स्लीपां ये यानी कि जैनवन जो स्लीप ना वो मोटे ही आते हैं, अगर इन्होंने अगर 85 के पिस्टन पाना चाहन तो यह थोड़े जे है स्लीप ये थोड़े जे बरीक हो सकते और 85 वाले पिस्टन भी ये अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हेडगैस्ट्रिक जी ये लीक कर रहा है जिद वजह से मैं चैक किया कि क्यों लीक कर रहा है, ठीक है जी, ये इधरली साइड तो टाइमिंग प्लेट वाली साइड तो ना ए वाली जगह रुको ये लीक कर रहा है, तो लिहाजा जो इन्हें चैक किया तो ये अंदर जी है ना यदा आयल बात जोड़ा सी यानी कि एयर क्लीनर जोड़ा से ना यदा वह भी चौक होया हुआ वजह तो इस ट्रैक्टर के अंदर जोड़ा ना वो हल्की जी जी ना मिट्टी वगैरह गई हुई सी, तो उस तो बाद सिर्फ और सिर्फ है देखो पिस्टम जोड़े है ये पिस्टम है जी, ये पिस्टम बिल्कुल ठीक निकले ये, तो ये हम कल खाली रिंग बदलते हैं तो रिंग बदल के इंशाल्लाह ताला ये दोबारा फिर अपनी जैनवन हालत आ जाएगा, खाली रिंग पा रहे हैं जी इस ट्रैक्टर, और इस तो अच्छी अच्छी होर भी वीडियो इंशाल्लाह बनावांगे जरूर कि दोस्तों तक मालूम चाहिए ट्रैक्टर के अंदर धुंधा की चीज़ है, जिसका कि अच्छ बलंसर के बारे में दसिया वा कि बलंसर अगर किसी वजह तो खराब हो जाए या बलंसर च कोई मसला बन जाए तो ट्रैक्टर जोड़ा थोड़ा गर्म होने लग पाएगा और सीज़ भी हो सकता वा जी। दोस्तों मैं एक होर गल दसना चाह रहा सी कि अक्सर दोस्त कहते हैं कि ट्रैक्टर के टैबट कराई दी और टैबट दोबारा फिर लूज़ हो जाते हैं, टैबट जोड़े दोबारा लूज होने की वजूहत होंगी ना जी वो ये अंदरली साइड के होंगे गाइड, यह अंदरली साइड के गाइड होंगे जिहदे अंदर जी सिलाई लगती है यानी कि सिलाई आ गाइडा के उपर बैठी है, अगर गाइड थले बैठ जाए या गाइड खराब हो जाए उसकी वजह से भी टैबट जोड़े ढिले हो जाते हैं, जा के अगर रेस के अंदर तो ट्रैक्टर चल रहा है वा और लोड़ नहीं है कई दफ़ा सिलाइया भी विंगिया हो जाए, सिलाई विंगी होने की वजूहत गाइड बैठने के नाल जो है ना गाइड वो निचली साइड से गाइड वा, अगर गाइड बैठ जाए या गाइड खराब हुई हो तो भी टैबट जोड़ा वा ना वो भी ढिले होने का मसला पैदा करते हैं, लिहाजा इस चीज़ में भी देखना चाहिए वा जो अगर तुम इंजन करवा रहे हैं वो भी चीज़ देखनी चाहिए कि ये आया कि टैबट जोड़े है वो ठीक
ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਅਗਰ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਵਾ ਉਹ ਗਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਲਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਹੈ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਕਰਵਾਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਕਸਰ ਇੰਜਨ ਦਾ ਆਇਲ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਚਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਆਇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਆਇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਇਲ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਗਰ ਸਲਾਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ 100 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 100 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਜਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਹੈ ਠੀਕ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੰਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਹ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਮਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਕੂਲਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਸੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।